आज की जो रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये ऐसा टी टाइम स्नैक है जिसको कि टीनेजर भी बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। इसको आप पार्टी स्नैक में भी बना सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाले मिनी हॉट पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ कम समय में बनने वाली ऐसी रेसिपी है जिसको कि हर कोई बना सकता है। इन मिनी हॉट पिज़्ज़ा को आप सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम को इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप इन्हें तुरंत से बनाकर सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ये मिनी हॉट पिज़्ज़ा बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं। चीज़ लिया है और देखिए, शिमला मिर्च को मैंने छोटे छोटे पेटल्स में काटा है। साथ ही मैंने ये रेड वाली कैप्सिकम ली है। अगर आप पास ये नहीं है तो आप टमाटर भी ले सकते हैं बीज निकाल कर। कुछ ये प्याज के देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पेटल्स काट लिए हैं। साथ ही ले लिए हैं मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न। वेजिटेबल जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही लेंगे काफ़ी सारा मोज़रेला चीज़। अब देखिए, आप ये मिनी हॉट पिज़्ज़ा चाहे तो ये ब्राउन ब्रेड के बना सकते हैं या फिर नॉर्मल जो वाइट ब्रेड आती है उसके बना सकते हैं। मैं अभी ये वाइट ब्रेड से बना रही हूँ। तो देखिए, इसको कट करेंगे बीच में से जिससे ये ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये ब्रेड को देखिए हम फोल्ड करेंगे। ब्रेड को हार्ट की शेप देते समय पर देखिए ब्रेड के ये कॉर्नर्स हैं ना, ये टूट रहे हैं। ये टूटे ना, उसके लिए देखिए हम एक बहुत अच्छा उपाय करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, उसके ऊपर रख दिया स्टेनर और उसके ऊपर देखिए चार ब्रेड को मैंने इस तरीके से फैला कर रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम देंगे। इसके बाद में ब्रेड हमारी एकदम बढ़िया हो जाएगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं शेप देने से पहले। कितनी बार ब्रेड फ्रेश होती है उसके बाद भी टूटती है, तो इसलिए इसका देखिए मैंने ये बहुत अच्छा उपाय निकाला है जिसकी वजह से ब्रेड जो है बहुत इजीली शेप में आएगी। देखिए, स्टीम देने के बाद में ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। अब बीच में से देखिए इसे कट करेंगे और कॉर्नर्स को घुमाते हुए देखिए इसमें एक टूथपिक लगाएंगे इस तरीके से। मैं आपको कई सारे बना के बता रही हूँ तो जिससे आपको देखिए बनाना बिल्कुल आसान हो जाए। मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ उस तरीके से। देखिए बन रहे हैं ना, ये बिल्कुल हमें जो कोने हैं ना उसको मोड़कर बीच में लगाकर हाथ से प्रेशर देते हुए इसमें टूथपिक लगाना है। तो देखिए हमारे ये सारे जो है करीबन 8 मैंने ये हार्ट तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास ये सॉस नहीं हो तो आप टोमेटो केचप के अंदर में पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालकर उसे तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम चीज़, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर इसके ऊपर वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ रेड वाली शिमला मिर्ची, फिर ग्रीन, उसके बाद में लगा देंगे हम ओनियन पेटल्स, फिर लगाएंगे इसमें ये स्वीट कॉर्न। जितने इस पर आराम से आ जाए हमें उतने लगाने हैं, बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर आप डाल देंगे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर मैं भी और डाल रही हूँ। ये हमारा बहुत ही बढ़िया देखिए हॉट पिज़्ज़ा जो है बेक करने के लिए रेडी हो गया। इसी तरीके से मैंने ये सभी तैयार कर लिए हैं। आज मैं इन मिनी हॉट पिज़्ज़ा को एयर फ्रायर में बेक करूँगी। मेरा अभी नया एयर फ्रायर आया है, तो देखिए मैं उसमें कैसे बेक करते हैं आपको मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इन्हें तवे पर भी आराम से सेक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एयर फ्रायर में बनाना है। आप कहेंगे कविता हमारे पास तो है ही नहीं तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसको एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक किया था। देखिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया सिका है ये एयर फ्रायर में, हमने कोई भी चिकनाई नहीं लगाई है और एकदम तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो ये लगी हुई है ना टूथपिक, इसे हटा देंगे और देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी बता रही हूँ। कुछ ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने बिना शेप दिए बनाए हैं। देखिए इनको सिंपल ट्राइंगल में बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने तैयार करके इसको बनाया है। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है और ये भी खाने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन मिनी हॉट पिज़्ज़ा की शेप में बनाएंगे तो बच्चों को और सर्व करने में आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब आप इस मिनी हॉट पिज़्ज़ा को जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।